शादी क्या बन जाए। क्यों अब बोलती बंद हो गई? क्या अब भी तुम यही कहोगे कि इस औरत को तुम नहीं जानते और तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं? अरे बोलो बेटा, अरे कुछ पूछ रही है, जवाब दो यार। अब वैसे भी फोटो देख के कोई भी पहचान जाएगा कि तुम्हारा इका रिश्ता का है। बोलो अमन। बेटा बेटा बोलो, बात क्या है? प्रतिज्ञा जो कह रही है क्या वो सही है? मैं हमेशा से जानता था कि कृष्णा जैसे अनपढ़ और गवार लोग इस तरह की हरकतें जरूर कर सकते हैं, इसलिए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप भी उसकी हां में हां मिला रही हैं। ऐसा करके आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है प्रतिज्ञा जी। अमन बेटा ये सब क्या है? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आखिर बात क्या है? बात बिल्कुल साफ है। ये तस्वीर इसमें आप इस औरत को देख रहे हैं जो आपके सामने खड़ी है, ये मेरी क्लाइंट है अंकल, जिनका मैंने केस हैंडल किया था। इस समय ये बहुत परेशान थी, इसलिए सिर्फ एक भाई की तरह मैं उन्हें दिलासा दे रहा था और कुछ नहीं। लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। तुमने बचाए के चक्कर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बीच में लेके आ रहा है। गंदे दिमाग का इलाज करना पड़ेगा आपका। कृष्णा शांत हो जाओ। अपनी आंखों से अपने अमन की करतूत को देख। आज इसने बहुत ही घिरी हुई और घटिया बात कह दी। पहले तो तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहा था और अब तुम्हें अपनी बहन कहकर एक पति पत्नी के रिश्ते को गाली दे रहा है। बोलो बता दो सबको कि सच क्या है। बोलो सबको, बताओ सबको कि आखिर बात क्या है। अरे बेचारी क्या बताएगी, ससुरा पहले अपनी वकीले वाला दिमाग चला चुका है। बाकी तुमको डरने की कोनो जरूरत है ना, बाकी कोनो बात नहीं, हमो है ना यहाँ। ससुरे वकील का ढोंग परपंच खुल के एकदम खुल के साफ साफ बाज दियो, अभी कर दे। अनु बोलो, बताओ सबको कि सच क्या, बोलो अनु।
से हमारी मुलाकात एक केस के सिलसिले में, तब अमन जी ने हमारी बहुत मदद की और वो भी बिना कोई फीस और बिना किसी लालच के। तब से हम इन्हें अपना भाई जैसा मानते हैं। प्रतिज्ञा और कृष्णा हमारे घर आए थे और हमसे कहा कि हम यहाँ आके झूठ बोले कि हम अमन की पत्नी हैं। ताकि उनकी शादी टूट जाए। तब तो हमने इन्हें इनकार नहीं किया था। हम चाहते थे कि यहां आकर सबके सामने इनकी साजिश को बेनकाब करें। हम ये तो नहीं जानते कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अमन जैसे एक नेक इंसान के साथ हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। कमीने झूठे, बंद करो अपना मुंह। ए छोड़, छोड़ूंगा। औरत है तू? औरत होए के दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद कर रहे। बहुत सही, बहुत सही। दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। दोनों के दोनों एक जैसे घटिया बेईमान दोनों के। बस करो कृष्णा, बहुत बोल चुके तुम। अगर एक लफ्ज और जबान पे लाए तो अच्छा नहीं होगा। वो साला लगता आदमी हमका धमकी दे रहा है। इतनी औकात होगी तुम्हारी? तो ना कौन सामने खड़ा, नहीं चुप होएंगे, बोलेंगे। अरे जितना मर्जी उतना बोलेंगे, करके दिखा। जो उनका सत्ता करके दिखा, कर। तेरी अमन, अपनी जबान और हाथ पैरों को काबू में रखो, नहीं तो थोड़ी ही देर में तुम जेल में होगे। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार कानून का दुश्मन है। अपराधियों के खानदान से ताल्लुक रखते हो तुम। जब हमने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस शादी में आने से मना किया था तो फिर क्यों आए हो तुम? हम कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, कोनों का बाप हमको नहीं रोक सकता। परिवार तुम्हारे परिवार से बहुत बढ़िया है। अरे चमचागिरी नहीं करते हम, शान से जीते हैं, शान से। जौन हमारे घर में जैसा है वैसा है। तुम सबके जैसे बकरी की खाल में छुपे भेड़िया नहीं हम, शेर हैं हम, शेर। लोग अपने अपने फायदे के लिए नियम और कानून पढ़ते बनाते ताकि समय आने पे यूं सफाई दे सको। इसलिए सुंदर अभी भी गिरे हुए चरित्र के बावजूद भी सबके सामने अच्छा बना। कृष्णा अमन छोड़ो उसे। किस नाम कहते हैं? छोड़ो अमन को। प्रतिज्ञा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों ये शादी नहीं होने देना चाहती? हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, चले जाओ यहां से, होने दो ये शादी। और अपने इस कृष्णा को साथ लेके जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और आपसे माफी मांगते हैं। बस आप जल्दी से आज्ञा दीजिए ताकि
ताकि ये शादी पूरी की जा सके। ये शादी पूरी नहीं हो सकती।